हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाईफाई से इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे रीसेट लिखेंगे तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोन का वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डालकर रीसेट कर देना है। तो इतना हम कर लेते हैं और अब हम बैग आते हैं। तो इतना करने के बाद अब होम स्क्रीन पर आना है और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही रीस्टार्ट होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। अब गाइस, इतना करने के बाद आप वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहाँ से हमने वाईफाई ऑन कर दिया है और अब हम कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्ट हो चुका है और ऊपर यहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप जिस फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट किए हैं उस फ़ोन में अगर डाटा सेवर या फिर बैटरी सेवर ऑन होगा तो भी इंटरनेट नहीं चलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, फिर इस तरह आप इंटरनेट चला पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।